बड़ी बहादुरी से इस देश में हमने हराया पोलियो, चेचक और टेटनस को। हमने काबू पाया एचआईवी जैसी बीमारियों पर। लेकिन क्या इससे पूरी तरह स्वस्थ हो गया इंडिया? नहीं। आज भी घर घर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां छुपी बैठी हैं। आज भी हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को समय से पहले रोक नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारे लिए हेल्दी रहने का मतलब है बीमारी बढ़ने के टाइम डॉक्टर के पास जाना। आज भी हमारे लिए प्राइमरी हेल्थ केयर करोड़ों नागरिकों की पहुंच से दूर है, पर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब वक्त आ गया है देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति लाने का, हमारे नजरिए को बदलने का, प्राथमिक सेवाओं को आखिरी छोर तक पहुंचाने का। क्यों न प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत देश के स्वास्थ्य केंद्रों को एक नई दिशा, नई ऊर्जा देने के साथ ही अधिक जिम्मेदारियां दी जाएं, तो 3-4 सालों में ही हम देश के हर कोने में स्वास्थ्य की ज्योति जला देंगे। इसी सोच के साथ इस देश ने अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा है, 2022 यानी हमारे न्यू इंडिया बनाने के संकल्प को साकार होने तक आधुनिक सेवाओं से युक्त 150,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाने हैं। इन अत्याधुनिक सेंटर्स द्वारा किया जाएगा माँ और बच्चों का स्वास्थ्य संवर्धन, बुजुर्गों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक समस्याओं का समाधान, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर जैसे बड़े रोगों का जल्द निदान और उपचार। साथ ही फिट इंडिया बनाने के लिए आहार, योग, कसरत जैसी जानकारियां और तंबाकू शराब जैसे व्यसनों पर नियंत्रण भी। इतने बड़े मिशन को देश के कोने कोने में ले जाने के लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग टीम्स भी बनाई गई हैं। हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होंगे मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिनको सपोर्ट करेंगे A&M स्वास्थ्य वर्कर्स और आशा बहन जी। यहाँ डिजिटल कंसल्टेशन के साथ हेल्थ आईडी कार्ड जैसी कई नई सुविधाएं शुरू होंगी और हर व्यक्ति को जोड़ा जाएगा एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ, ताकि कोई स्वास्थ्य सेवाओं से बिछड़ा ना रहे। स्कूल के बच्चे भी स्वास्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और साथ ही पूरा देश इस जन आंदोलन से जुड़ेगा। इस तरह से समाज और सरकार अपना पूरा बल लगाएंगे और हम छुपे बैठे शत्रुओं को निकाल फेंकेंगे। बीमारियों को हम नहीं बनने देंगे हेल्दी न्यू इंडिया के राह की रुकावट। तो इंडिया स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो, आयुष्मान भारत।